हाय गाइस, वेलकम टू लिनक्स आर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राम मिश्रा और मैं हूं आपका लिनक्स ट्रेनर। सो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लिनक्स टॉपिक, विच इज़ हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑटो एफएस और ऑटो माउंटर इन आरएचएल 8। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। बट बिफोर स्टार्ट द लैब सेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स, विच इज़ वॉट इज़ ऑटो एफएस और समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटो माउंटर एंड हाउ डज इट वर्क। So basically, auto mounter help us to automatically mount the file system when it is on demand from the client side. It is not only mount the file system automatically, but also automatically unmount the file system when not in used for particular predefined timeout value. I mean to say कि जब client की demand होगी तो हम using auto FS shared volume को automatically mount कर लेंगे, और जब mounted volume used नहीं हो रहा होगा तो predefined timeout value के हिसाब से शेड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अनमाउंट भी हो जाएगा। इस प्रोसेस से हमारे सिस्टम पर लोड भी कम रहेगा और परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी। अपनी बात को और बेटर वे में क्लियर करने के लिए मैं आपको एक लैब सेटअप की हेल्प से एक सिनेरियो को लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, दिस इज माई लिनक्स ऑटो माउंट लैब सेटअप सिनेरियो। यहाँ पर मेरे पास दो ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन है। फर्स्ट मशीन एक्टिंग एज NFS सर्वर, दिस इज NFS सर्वर विद द होस्ट नेम server1.pool.org हैविंग द IP एड्रेस 10.0.0.1 एंड द करंट रनिंग लिनक्स OS इज RHEL 8.0। इन दिस सर्वर मशीन आई हैव शेयर्ड द फोल्डर /लिनक्स, दिस इज /लिनक्स ओवर NFS फॉर my क्लाइंट मशीन, दिस इज अ क्लाइंट मशीन। Here I am not going to discuss about how to make NFS server because I have told you earlier AutoFS is the client side service, so we need to do the configuration at the client end. There is no configuration required at the server end apart from the NFS configuration. Okay guys, my second machine, this is acting as a client machine with the host name client1.pool.org having the IP address 10.0.0.2 and current running layer OS is RHEL 8.0. Now our task is कि हम अपने second virtual machine client one, इस machine की मैं बात कर रहा हूँ, using AutoFS NFS shared volume को access करेंगे। चलिए सबसे पहले virtual machine को check कर लेते हैं। So I'll show you my virtual machine. This is my first virtual machine, that is server1.pool.org, and IP address is 10.0.0.1, and currently I'm using Red Hat release version RHEL 8.0. My second tested virtual machine is, मैं root से login होता हूँ, this is client1.pool.org, IP address is 10.0.0.2, and यहाँ पर भी मैं जिस release version को use कर रहा हूँ वो है RHEL का 8.0। So मैं अपने network को easily operate करने के लिए client को server side से SSH कर लेता हूँ। मैं अपने server machine पे login करता हूँ and I simply run the command SSH 10.0.0.2 IP address of client machine, give the password and I'm logged in. So this is client1.pool.org. अब मेरे फर्स्ट टर्मिनल पे client1.pool.org लॉगिन है और सेकंड टर्मिनल पे मैं सर्वर मशीन से लॉगिन हूँ, दिस इज अ सर्वर वन। ओके गाइस, अब हमको ऑटो माउंटर कॉन्फ़िगर करना है। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स टू यूजिंग ऑटो एफएस फ्रॉम क्लाइंट साइड। रिमेंबर, मैं समय क्लाइंट साइड पे हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्लाइंट साइड से होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल एंड वेरीफाई ऑटो एफ एस पैकेज। फॉर फर्स्ट पॉइंट आई एम यूजिंग RPM क्वेरी कमांड टू वेरीफाई पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट। इफ इट इज नॉट इंस्टॉल्ड, यूजिंग YUM यूटिलिटी आई कैन इंस्टॉल इट। सो मैं क्लाइंट साइड से चेक करता हूँ, RPM क्वेरी ऑटो एफ एस, आई प्रेस द एंटर, आई गॉट द मैसेज ऑटो एफ एस पैकेज इज बाई डिफॉल्ट नॉट इंस्टॉल्ड। सो मैं YUM कमांड यूज करता हूँ, YUM install, install
ऑटो एफएस। गाइस इस केस में मेरी यम रिपोजिटरी लोकली प्री कॉन्फ़िगर्ड है। नाउ आई गॉट द कंप्लीटेड मैसेज, चेक करता हूँ पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फाइंड द एनएफएस शेयर नेम। फॉर सेकंड पॉइंट टू फाइंड आउट एनएफएस शेयर वॉल्यूम, फॉर दिस पर्पस आई यूज शो माउंट कमांड। तो मैं शो माउंट कमांड को यूज करता हूँ एनएफएस शेयर वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या चीज एनएफएस सर्वर से मुझे शेयर्ड अवेलेबल है। शो माउंट हाइफन ई एक्सपोर्ट 10.0.0.1, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर। सो यू कैन मेंशन द आईपी एड्रेस और यू कैन मेंशन आल्सो द नेम। व्हेन आई प्रेस इंटर आई गॉट द मैसेज शो माउंट कमांड नॉट फाउंड। इफ द कमांड इज नॉट इंस्टॉल्ड अगेन टेक द हेल्प फ्रॉम यम एंड इंस्टॉल एनएफएस यूटिल्स पैकेज। सो बेसिकली शो माउंट कमांड शो माउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनएफएस सर्वर। इफ दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल ऑन द क्लाइंट साइड इंस्टॉल एनएफएस यूटिल पैकेज। ओके नाउ अगेन आई विल चेक। इस कमांड का आउटपुट ये शो कर रहा है कि एनएफएस सर्वर से स्लैश लिनक्स शेयर वॉल्यूम 10.0.0.0 के नेटवर्क के लिए अवेलेबल है। आई कैन ईजिली एक्सेस इट। ओके सो सेकेंड पॉइंट वी हैव डन सक्सेसफुली। नाउ थर्ड पॉइंट, एडिट द ऑटो एफ एस मेन कन्फिगेशन फाइल। सो थर्ड पॉइंट के लिए हम ऑटो एफ एस की मेन कन्फिगेशन फाइल जो कि है ऑटो डॉट मास्टर, उस फाइल में जाएंगे। सो आई शो यू ETC ऑटो डॉट मास्टर। दिस इज द मेन कन्फिगेशन फाइल ऑफ ऑटो मास्टर। सो व्हेन आई प्रेस इंटर आई गॉट सम एंट्रीज। दिस इज द मेन कन्फिगेशन फाइल ऑफ ऑटो माउंटर विच इज यूज टू स्पेसिफाई द माउंट पॉइंट एंड लोकेशन ऑफ द मैप फाइल। यहाँ पर माउंट पॉइंट और मैप फाइल की लोकेशन को मेंशन करेंगे। इस कन्फिगेशन फाइल में तीन फील्ड की एंट्रीज होती हैं। टू फील्ड्स आर मैंडेटरी एंड थर्ड फील्ड ऑप्शनल है। सो आई विल शो यू। दिस इज द फर्स्ट फील्ड। दिस इज रिप्रेजेंट द माउंट पॉइंट वेयर वी नीड टू डिफाइन द डायरेक्टरी ऑन विच अवर फाइल सिस्टम विल बी गेट माउंटेड। ओके यहाँ पर हमें उस डायरेक्टरी को मेंशन करना पड़ता है जिस पर हमारा फाइल सिस्टम माउंटेड होगा। नाउ द सेकेंड फील्ड, दिस इज द सेकेंड फील्ड। दिस इज अ मैप फाइल लोकेशन वेयर वी नीड टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट द एनएफएस सर्वर। यहाँ पर हम एनएफएस सर्वर की इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे। एंड थर्ड फील्ड हम यहाँ पर जो कि अभी यहाँ ब्लैंक है, कोई एंट्री नहीं है, यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं। दिस इज यूज फॉर टाइम आउट वैल्यू एंड अदर ऑप्शन। सो गाइस लेट्स पुट अप द एंट्री इन ऑटो डॉट मास्टर फाइल। सो मैं इस लाइन के नीचे मेंशन कर देता हूँ, आई सेड टेस्ट स्लैश ETC ऑटो डॉट मिस एंड मेंशन टाइम आउट। थर्ड फील्ड टाइम आउट 30 सेकेंड। ग्रेट, आई सेव एंड क्विट फ्रॉम देयर। हाइफन हाइफन टाइम आउट इज इक्वल टू 30 सेकेंड रिप्रेजेंट आफ्टर 30 सेकेंड इफ द फाइल सिस्टम इज नॉट बीइंग इन यूज्ड देन ऑटोमेटिकली ऑटो एफ एस विल बी अनमाउंट द फाइल सिस्टम। ओके एंड स्लैश टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लैश टेस्ट। दिस इज द बेस ऑफ इनडायरेक्ट ऑटो माउंटर। इट विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन वी स्टार्ट ऑटो एफ एस सर्विसेज। नो नीड टू क्रिएट मैनुअली, हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। ओके सो जस्ट सेव एंड क्विट फ्रॉम देयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट द मैप फाइल। सो फॉर क्रिएशन द मैप फाइल वी हैव टू ऑप्शन। आइदर आई हैव टू मेक द सेपरेट मैप फाइल और आई कैन डायरेक्टली पुट अप द एंट्री इन स्लैश ETC ऑटो डॉट मिस फाइल विच इज प्री डिफाइंड क्रिएटेड एंड यूज फॉर मैपिंग पर्पस। मैंने ऑटो डॉट मास्टर में मैपिंग फाइल डिफॉल्ट फाइल ली है जो कि पहले से प्री कन्फिगर्ड होती है, आप अलग भी बना सकते हो। सो आई जस्ट ओपन दिस फाइल ETC ऑटो डॉट मिस
I press enter. This configuration file has three field entry. First field, this is mount point name. No need to create manually on client side. ये अपने आप बन जाएगा जब हम NFS volume को access करेंगे. Second field, this is file system type. In my case, I am using NFS. Third field, this is NFS share path. So give the full path of NFS share. So, मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ. I put up my own entry. I said access. Give the file system type, FS type. I said NFS. Otherwise, you can also use auto and give the NFS share path server1.pool.org my NFS server name / Linux. That's it. Save. So here access is my mount point name. This is a mount point name. जैसे ही हम इस माउंट पॉइंट को मेंशन करेंगे ये अपने आप बन जाएगा और यहाँ पर NFS सर्वर से सारा शेयर डॉक्यूमेंट इस लोकेशन पर माउंट हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दिस स्लैश लिनक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लैश लिनक्स फ्रॉम server1.pool.org विल बी गेट माउंटेड इन ए डायरेक्टरी कॉल्ड एक्सेस. ओके गाइस, सो मैं सेव करके बाहर आता हूँ. We have done this point also. Now our fifth point, start.wifi service. मगर उससे पहले मैं चेक करता हूँ कि स्लैश लोकेशन पे कोई टेस्ट नाम की डायरेक्टरी पहले से प्री कन्फिगर तो नहीं है, पहले से कोई बनी हुई तो नहीं है. तो अभी मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, टेस्ट नाम की कोई डायरेक्टरी इंडिकेट नहीं हो रही है. टेस्ट स्क्रिप्ट, अब मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ. सिस्टम CTL enable autofs -- now. That's great, सर्विस में स्टार्ट हो गई. अब मैं अगर ls slash करके देखता हूँ तो आई फाइंड आउट टेस्ट डायरेक्टरी. ये देखिए, जैसे सर्विस स्टार्ट हुई टेस्ट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो गई. अब मैं cd टेस्ट करता हूँ, cd slash test nfs वॉल्यूम को एक्सेस करने के लिए मैं इसके अंदर जाता हूँ. यहाँ पर आप देखें अभी कुछ नहीं है. I mention the mount point name. मेरे केस में मैंने टाइप किया ACCESS access, जो कि मैंने auto dot mis फाइल में mention किया था. जैसे ही मैं cd space access mention करता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा, मुझे सर्वर से शेयर डेटा एक्सेस हो जाएगा यूजिंग ऑटो एफ एस. दैट्स इट, क्लियर गाइस? मैं बाहर आ सकता हूं. आई कैन रन द कमांड NFS स्टेट, NFS स्टेट -- mounts. दिस कमांड व्यू द NFS सर्वर एंड क्लाइंट एक्टिविटी. सो आई रन द कमांड स्लीप 31 सेकेंड. रिमेंबर आफ्टर 30 सेकेंड कंप्लीटेड इट विल बी ऑटोमेटिकली अनमाउंटेड इफ इट इज नॉट इन used. So अगर 30 सेकेंड तक मैं इस लोकेशन को यूज़ नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा. सो दिस इज द बेस ऑफ ऑटो माउंटर, कि आप ऑन डिमांड पर फाइल सिस्टम को एक्सेस भी कर सकते हैं और प्री डिफाइंड टाइम वैल्यू के साथ उसको ऑटोमेटिकली अनमाउंट भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी, वेट टिल 31 सेकेंड. यस, इज कम्प्लीटेड. नाउ अगर मैं ls टेस्ट डायरेक्टरी को देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सिस्टम ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो गया. मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ यूजिंग NFS state कमांड. नो, इट्स ऑटोमेटिकली अनमाउंटेड. क्लियर है गाइस? सो फाइनली गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. होपफुली यू एंजॉयड एंड लर्न न्यू थिंग्स. सून आई विल कम अप विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. इफ यू फील समथिंग आई हैव मिस्ड और यू वॉन्टेड टू नो मोर समथिंग एल्स, प्लीज लीव योर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon button for the latest update. Guys, one more thing. If you are interested in RHEL 8 online classes for RSCSA and RSCE, please contact us through given links which is mentioned in the description. Thanks for watching. Stay safe and goodbye.